गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर 1। ठीक है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी मैंने अभी सिलेबस स्टार्ट किया है वो आपका जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग करें, वही वही टॉपिक्स वाले जो हमारे सिलेबस में। तो स्टूडेंट्स प्लीज, हमारा सिलेबस पहले 30% रिड्यूस हो चुके हैं, तो आप प्लीज साइड बाय साइड का लर्न करना स्टार्ट करो, हम वही वही टॉपिक करें। ओके, सबसे पहले हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द लिनियर 1751 एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द लिनियन हायरार्की। ओके, लिनियर आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो क्या एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है, अरेंज क्या हो जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये बात आपको याद रखनी, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, लीनियर से, इसलिए इसको क्या बोला, लीनियर हायरार्की। स्टूडेंट्स आप सिलेबस में मैच करोगे, मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक करवा दूं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और द टैक्सोन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहे, जो ग्रुप है ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को, और कैटेगरी क्या करती है डिनोट करती है एक रैंक को, और जो रैंक रिप्रेजेंट किसको होता है क्लासिफिकेशन को। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ द कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहे हैं, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज है वो किसके डिस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए, और ये कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट शो नहीं करता। आगे हम बात करें ऑब्लिगेट एंड द कॉमन कैटेगरी। The taxonomic categories which are always used in the hierarchical classification of the organism are called obligate or common categories. Okay, students, see क्या बोलता है? जो taxonomic categories हैं हमारी, which are always, वो किसमें use होती हैं? Hierarchical classification में, वो भी organism की, जिसे हम क्या बोलते हैं? Obligate or common categories. आगे क्या है? There are several number है in descending order. These are kingdom, phylum or the division, class, order, family, genus and the species. Okay students, आपको clear हो गया? ये कितने number में है? 7 है total. और descending order में हम लेते हैं kingdom हो गया, phylum हो गया, division, class, order, family, genus, species. Okay. All the members of taxonomic categories possess some similar characters. जो भी members हैं taxonomic categories क्या पोजेस करते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स में, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वो क्या है, डिफरेंट है। द मैक्सिमम सिमिलैरिटी अकर्स इन द स्पीशीज। जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी होती है स्पीशीज में होती है, विच इज आल्सो द लोएस्ट कैटेगरी इन द हायरार्की ऑफ द कैटेगरीज। सिमिलरली ऑफ द कैरेक्टर्स डिक्रीजेस विद द राइज इन हायरार्की। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करती हूं, ऑल द मेंबर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो भी मेंबर्स हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के वो क्या पोजेस करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स, जो कि डिफरेंट होते हैं दूसरों से। द मैक्सिमम सिमिलैरिटी अकर्स इन द स्पीशीज। वो कहते हैं जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी दिखेगी स्पीशीज में वो किसमें होगी, लोअर कैटेगरी में, जो कि हायरार्की ऑफ द कैटेगरी है। सिमिलरली ऑफ द कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे जैसे हायरार्की क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सबसे पहले हम बात करें स्पीशीज की। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज जो होंगे। टैक्सोनॉमिक स्टडी किसके कंसीडर करते हैं, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में विद अ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखते हैं स्पीशीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देख लीजिएगा कॉमन नेम देयर है, साइंटिफिक नेम स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया, आप खुद रीड कर लीजिएगा, सबके साइंटिफिक नेम बताए गए हैं। स्पीशीज इज कंसीडर्ड एज द लोएस्ट और द बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिसेंबल वन अनदर मोर क्लोजली इंडिविजुअल्स ऑफ द अदर स्पीशीज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, जो स्पीशीज है उसे कैसे कंसीडर किया गया है, लोएस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो कि किसकी बनी हुई है, एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स की। ठीक है, और किससे रिसेंबल करती है, एक दूसरे से, जो कि एक ही ग्रुप पे रह रहे हैं। ठीक है,
दूसरी स्पीशीज से वो मैच नहीं करेगी, रिसेम्बल नहीं करेगी। आगे मतलब द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज इंटरब्रीड फ्रीली, जो मेंबर्स एक स्पीशीज के वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर्स। वो रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात की मैंगिफेरा इंडिका, आपको पता है मैंगिफेरा इंडिका इज अ मैंगो सोलेरियम ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो एंड द पेंथ्रा लियो लाइन। All three names indica, tubers of and leo represent the specific epithets, while the first words mangifera, solum, panthera are general and they represent another higher level of taxon and the category. Means वो क्या बात कर रहे हैं, जो mango का name है, mango का क्या name है, scientific name हो गया mangifera indica, potato को क्या हो गया solarium tubersum, loin का हो गया panthera leo। वो बोले थे तीनों के तीनों नाम है, तीनों के तीनों में हम लास्ट लास्ट अक्षर उठाते हैं, इंडिका हो गया हमारे पास, ट्यूबरसम हो गया, एंड क्या हो गया हमारे पास लियो। ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स है जो फर्स्ट वर्ड्स है, लाइक मैंगिफेरा सोलनम, ये क्या कहते हैं जेंडर। ओके, याद रखना ये क्या है जेंडर, और किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हायर लेवल ऑफ टैक्सोन एंड द कैटेगरी। ई जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। स्टूडेंट्स ये क्या बोलता है, जो भी जीनस है उसमें एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। बट उनकी क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज क्या होती है, सेम होती है। मॉर्फोलॉजिकल मीन जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस। For example, Panthera has one another specific epithet called the tigris, and the solanum includes species like the nigrum and the moraniana. Okay? यहाँ पर example देके बताया गया है, आप example अपनी तरफ से भी include कर सकते हैं। Genus, जो they comprises a group of the related species which has more characters, जिसमें क्या ज़्यादा characters हैं, common in comparison to species of the other genera. स्टूडेंट्स ये क्या बोलता है कि हमारे पास जो जीनस है, ठीक है, जीनस इसका कंप्राइज कर रहा है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज का, और उसमें कैरेक्टर्स क्या है, ज्यादा है, जो कि कॉमन किसमें होते हैं, कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ द अदर जेनेरा। इन अदर वर्ड्स, जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। वो कहते हैं जो जेनेरा किसको एग्रीगेट करता है, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है। हम बात करें तो जीनस हमारे पास सोलनम पोटैटो हो गया, सोलनम ट्यूबर्स एंड द ब्रिंजल हो गया, ठीक है, पैंथ्रा लॉयन एंड द लेपर्ड। आगे है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा सेम है, उनकी रिलेशन दिखाइए। ओके स्टूडेंट्स,